एपिसोड के स्टार्टिंग में लुजिन एंड शैन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। जब शैन लुजिन के नेक पे हाथ लगाती है तो उससे लुजिन बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। फिर वो शैन के पास आता है जिससे शैन नर्वस होकर वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देख के लुजिन भी स्माइल करता है। शैन जाके अपने बेड पे सो जाती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां लुजिन आता है जिसे देख के वो सोने का नाटक करती है। उसे लगता है कि लुजिन कुछ करेगा, लेकिन लुजिन उसके पास आता है और उसे सर पे किस करता है और उसे रेस्ट करने को कह के वहां से चला जाता है, जिससे वो अपसेट होती है और सोचती है कि भला उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिनियो के घर पे शिन आई हुई है। अब बिनियो की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उसे वहाँ मिलने आई थी और वो देखती है कि बिनियो को तो बहुत ही तेज फीवर है, जिससे वो उसके लिए सूप बनाने जाती है। जब वो उसके लिए सूप बना के लाती है तो बिनियो सूप पीने जाता है, लेकिन वो सूप उसके हाथ पे गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। जिससे शिन वरिड होती है और खुद वो उसे सूप पिलाने लगती है, जिससे बिनियो भी शॉक होता है। लेकिन जैसे वो सूप पीने वाला था तो शिन रुक जाती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना चोट आई है, तुम्हें तो सिर्फ फीवर है, तुम पी सकते हो। और ऐसा कह के वो वहां से जाने लगती है, लेकिन बिनियो उसे रोकता है और कहता है कि तुम प्लीज यहाँ रुको, मुझे अच्छा लगेगा। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पे शिन भी वहाँ रुक जाती है, जिससे बिनियो भी खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुजिन एंड शैन होटल के ही एक कॉर्नर में लंच के लिए आए हुए हैं। शैन कहती है कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए था, लेकिन लुजिन कहता है कि यहाँ का व्यू भी अच्छा है। लंच करते में से ही वो उसे कल रात की बात याद दिलाता है, जिससे शैन बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है। फिर लुजिन अपनी जगह आके बैठ जाता है और दोनों डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ पे शैन म्यूजिक प्ले करती है एंड वाइन पीती है, और जो कपड़े वो लेके आई थी वही पहन के वो लुजिन के सामने आ जाती है। लुजिन उसे देख के बहुत ही ज्यादा शाय फील करता है, इसीलिए वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसका टेंशन पाने के लिए वो डांस करने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा नर्वस होता है और उसकी तरफ ना देखने का ट्राई करता है। और ज्यादा टेंशन के लिए वो अपना रोप भी गिरा देती है, जिससे वो और भी ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन वो देखती है कि वो तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, जिससे अपसेट होकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, लुजिन उसके पीछे पीछे आता है और उसे हग करता है, और देखते दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों में रोमांस होने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन सो रही थी तो लुजिन उसे देख के स्माइल कर रहा था। जब वो उठती है तो लुजिन को इतना पास में देख के शाय फील करती है। लुजिन उसे कहता है कि जल्दी खड़े हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है, जिसके लिए वो हाँ करती है। उसके जाने के बाद वो स्माइल करती है। जब लुजिन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था तभी शैन पीछे से जाके उसे हग करती है, जिससे वो भी खुश होता है। उसके बाद वो शैन को सैंडविच खाने को देता है, जो खा के वो और भी ज्यादा खुश होती है। दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी शैन को शिंग का कॉल आता है। शिंग उसे बताती है कि तुम्हारे लुजिन के फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो चुके हैं, अब लोगों को पता चल चुका है कि तुम किसी को डेट कर रही हो, इसीलिए तुम अब वापस आ जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। जिससे शैन बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो लुजिन कहता है कि आज रात की ही टिकट है, हम वापस जा सकते हैं। तो शैन कहती है कि हमें वापस जाने की जरूरत क्या है, तो वो कहता है कि शिंग का कॉल आया है इसीलिए अब हमें जाना होगा, जिससे वो अपसेट होती है। तो लुजिन कहता है कि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, इसीलिए मैं इस चीज से बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूं। जिससे शैन खुश होती है कि लुजिन उसे समझता है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने घर आ गए थे और फोन पे बात कर रहे थे, जहाँ पे शैन बहुत ही ज्यादा अपसेट थी उनका वैकेशन जल्दी खत्म होने के लिए। लेकिन लुजिन उसे समझाता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब दोनों रात को बात करते करते ही सो जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग शैन उठती है और बाहर आती है तभी शिंगन के वहाँ आते हैं, जो उसे बताते हैं कि इंटरनेट पे उन दोनों के फोटोज वायरल हो चुके हैं और लोगों को लुजिन के एड्रेस का भी पता चल चुका है, इसीलिए वो भी सेफ नहीं है। सेम टाइम पे लुजिन भी ये सब कुछ फोटोज देख रहा था और बहुत ही ज्यादा वरिड हो रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है, जिससे वो वहां से जाता है। दूसरी तरफ शैन भी जब अपने घर में बैठी हुई थी तभी वहां डिंग आता है, क्योंकि उसे भी इन सब चीजों के बारे में पता चला था, इसलिए वो शैन के लिए वरिड था। सब बैठ के इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर ही रहे थे तभी शैन को बिनियो का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि लुजिन की ग्रैंड मदर को किसी ने गिरा दिया है और उन्हें चोट लगी है। जिन्हें देखने के लिए लुजिन तुरंत खड़ी होती है और हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। तो डिंग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में डिंग एंड शैन हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पे लुजिन एंड बिनियो उन्हें देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं। शैन बताती है कि डिंग ने मुझे यहाँ राइड दी है। उसके बाद बिनियो डिंग को लेके वहां से चला जाता है। फिर लुजिन एंड शैन लुजिन की ग्रैंड मदर के पास जाते हैं। वहां जाते ही शैन उससे पूछती है कि आप कैसी हो, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जिसके बाद वो उन्हें सॉरी कहती है। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो कुछ अजीब से बच्चे थे जो कुछ सवाल पूछते पूछते हमारे पास आए थे और इसी चक्कर में मुझे चोट लग गई, जिससे वो बहुत ही अपसेट होती है। अब नेक्स्ट सीन में लुजिन एंड शैन शैन के घर आए थे, जहाँ पे शैन अपसेट थी। तो लुजिन उसे कहता है कि अब मैं रेडी हूँ सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, और मैं भी तुम्हें ओपनली डेट करना चाहता हूँ, जिससे शैन खुश होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी हैं, जहाँ पे दोनों अपने रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जब लाइव ब्रॉडकास्ट चलता है तो दोनों बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू देते हैं और जो भी उन्हें देख रहा था वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इंटरव्यू के बाद केके एंड शिन भी अप्रूव करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दिया है, जिससे वो दोनों भी बहुत ही खुश होते हैं।
अब ये सारी ब्रॉडकास्ट जब बिन्यू देखता है तो वो बहुत ही जेलस फील करता है। उसके बाद वो डायरेक्ट शिन के घर पहुंच जाता है उसे प्रपोज करने के लिए। वो बातें करता है और उसे प्रपोज करने का ट्राई करता है, जो चीजें शिन को भी समझ आती हैं। और वो भी चाह रही थी कि अब बिन्यू उसे प्रपोज कर दे, लेकिन वो डर की वजह से उसे प्रपोज नहीं करता है, उल्टे उसे अपने प्ले का टिकट दे देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे वहां से जाने को कह देती है, जिससे बिन्यू भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि अब लोगों को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है, और फोन पे वो सारे कमेंट्स और लोगों के फोटोज देख रही थी जो उन्होंने शैन एंड लुजिन के लिए रखे थे, और बहुत ही खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ बिन्यू का जब प्ले चल रहा था, वहां पर शिन आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी उसके पीछे एक बैठी लड़की कहती है कि बिन्यू तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन है, और जब उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ आई हो तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, जिससे शिन बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है और प्ले देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में जब शैन अपने घर आती है, तब वो देखती है कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ आ चुके थे, और उसकी मदर तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि उसके रिलेशनशिप के बारे में उसके मदर एंड फादर को न्यूज़पेपर में से पता चला, ना कि शैन ने खुद बताया, जिससे वो उन्हें डांटने लगती है और कहती है कि पता नहीं लुजिन कैसा लड़का होगा जिसके प्यार में तुम पड़ गई हो। लेकिन शैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपने मदर का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीवी ऑन करती है, लेकिन उससे तो उसकी मदर और भी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वो अंदर चली जाती है, जिसके बाद उसके मदर उसके फादर को कहती है कि तुम भी उसके ऊपर गुस्सा करो। अंदर जाकर शैन लुजिन को कॉल करती है और कहती है कि वो यहाँ नहीं आए, लेकिन लुजिन तो उसका फोन ही पिक नहीं करता है। पता चलता है कि लुजिन तो ऑलरेडी शैन के बिल्डिंग में है, जो ग्रोसरीज लेके उसके घर आ रहा है। उसके बाद शैन बाहर आती है, जहाँ पे उसकी मदर फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि इस रिलेशनशिप को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो। तभी उनकी डोरबेल रिंग होती है, जिससे शैन के फादर डोर ओपन करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही डोर ओपन करते हैं वो देखते हैं लुजिन आया। लुजिन भी उन्हें देख के वहाँ कंफ्यूज होता है। फिर शैन एंड उसकी मदर भी बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही शैन के मदर लुजिन का फेस देखती है, उनका तो सारा ही एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब उन्हें लुजिन पसंद आने लगा था, लेकिन उसके फादर को तो अभी भी लुजिन पसंद नहीं आता। फिर ग्रोसरी लेके आया था, इसलिए वो उसे अंदर आने देते हैं। उसके बाद शैन की मदर एंड लुजिन बातें करते हैं, जहाँ पे वो तो लुजिन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। लुजिन भी उन्हें और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कहता है कि शैन को अपने गुड लुक्स आपसे ही मिले हैं, जिससे वो तो पूरी तरह उस पे फ्लैटर हो चुकी थी। फिर वो शैन से कहती है कि तुम जाओ और कपड़े चेंज करके आओ, अपने बॉयफ्रेंड के सामने इन कपड़ों में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, और शैन को वहां से भगा देती है। उसके बाद लुजिन शैन के फादर के पास जाता है और डिनर बनवाने लगता है, लेकिन जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो उसके बारे में नोट पैड पे लिखने लगता है। ये देखकर तो शैन के फादर भी उससे इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि अब उन्हें लुजिन जिम्मेदार लगने लगा था, और वो हैप्पीली उसे सबको समझाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सब साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे, जहाँ पे शैन के पेरेंट्स बार बार लुजिन को ही डिनर दे रहे थे और उसे ही फूड ऑफर कर रहे थे, और शैन की तरफ तो कोई भी ध्यान दे ही नहीं रहा था, जिससे लुजिन को तो अच्छा लगता है, लेकिन शैन तो जेलस फील करती है। देखते ही देखते सब डिनर कर लेते हैं, और शैन का तो अब तक मूड ही खराब हो चुका था। डिनर के बाद पता चल जाता है कि शैन के पेरेंट्स ने लुजिन और शैन के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। उसके बाद वो दोनों वहां से जाते हैं, लेकिन शैन लुजिन पे गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो अब मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने लगे हैं। लेकिन लुजिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूं, लेकिन अभी भी वो उस पे चिढ़ती है। दूसरी तरफ बिन्यू का भी प्ले खत्म हो चुका था। जब शैन उसके पास जाने के लिए सोचती है, तो वो देखती है कि बिन्यू उसके एक्स गर्लफ्रेंड से ऑलरेडी बात कर रहा है। दोनों को इतने अच्छे से बात करते हुए देख के वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बताती है कि तुमसे मिलने के लिए तो यहाँ पे शैन आई थी। ये सुनते ही बिन्यू भागते भागते उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आप मुझसे बात करने क्यों नहीं आए। तो वो कहती है कि तुम ऑलरेडी बिजी थे इसलिए। तो वो कहता है कि ऐसा मत सोचो, मेरे और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद वो शैन को कहता है कि प्लीज मेरे साथ डिनर पे चलो ना। वो पहले तो मना करती है, लेकिन उसके बार बार कहने पे वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, जहाँ पर बिन अभी भी अपनी स्टूपिड वाली हरकतें करता है, लेकिन इस बार तो उन पर शैन भी हंसती है, जिससे वो खुश होता है। फिर वो उसे पूछता है कि आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, जिसके लिए वो कहती है कि अच्छी थी। तो बिन्यू कहता है कि परफॉर्मेंस का मतलब मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अब आपको मैं भी अच्छा लगने लगा हूँ, जिस पर शैन उसे कुछ नहीं कहती, जिससे बिन्यू खुश होता है कि फाइनली शैन को वो पसंद आने लगा है। दूसरी तरफ लुजिन जब शैन के पास आता है, तो शैन अभी भी चिड़ी हुई थी, जिससे वो उसे कहता है कि प्लीज मेरे बाल सुखा दो ना, लेकिन वो मना करती है। तो वो कहता है कि प्लीज सुखा दो, जिससे वो बाल सुखाने लगती है, लेकिन अभी भी वो गुस्सा थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ज्यादा फोकस लुजिन पे किया, जिससे लुजिन उसे टिकल करने लगता है और उसे मनाने का ट्राई करता है। वो भी मान जाती है, दोनों एंजॉय करने लगते हैं।
नेक्स्ट डे जब शिन उठती है तो उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उसे एक इंटरव्यू देखने को कहती है। जब वो इंटरव्यू देखती है तो वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था। दरअसल उस इंटरव्यू में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने शिन के बारे में ही बात करी थी। उसने बताया था कि वो लोग काफी टाइम पहले कपल थे और दोनों साथ में ही म्यूजिक कंपोज करते थे और फिर उसके बाद शिन ने म्यूजिक छोड़ दिया। और ये सब सुनकर शिन बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और रोने लगती है और घर का सारा सामान भी तोड़ने लगती है। सेम टाइम पे बिनियो वहाँ आ जाता है और डोरबेल रिंग करता है। वो बिनियो को जाकर देखती है और उसे वहाँ से जाने को कह देती है, लेकिन बिनियो उसकी ऐसी हालत देख के वहाँ से नहीं जाना चाहता था और अंदर आने का ट्राई करता है, जिससे शिन उसे धक्का देके घर से बाहर निकाल देती है और उसकी इंसल्ट करती है। बिनियो भी इस बार अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। जब बिनियो नीचे जाता है तो वो देखता है कि अभी भी वहाँ पे बन की शॉप है। जब शिन अपने घर में बैठ के रो रही थी तभी उसे बिनियो का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि मैं अब तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हें मीट बन चाहिए या वेज बन चाहिए। ये सुनते ही वो खुश होती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बिनियो अभी भी उसकी लाइफ से नहीं गया है और वो मीट बंस कहती है, जिससे बिनियो भी स्माइल करता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।